अरे वाह भाई, कितना मजा आ रहा है यार इस बोट के ऊपर घूमने में। दरअसल गाइस यार, मैं और सिंचन आ चुके हैं भाई साहब एक यॉट के ऊपर, वो भी भाई पूरे के पूरे 5 दिनों की छुट्टियां मनाने के लिए। और गाइस आज हमारा आखिरी दिन है और भाई आज हम लोग हमारे घर पे वापस जाने वाले हैं। दरअसल गाइस यार, आपको पता है सिंचन और मैंने भाई साहब एक ही बार ठान लिया था कि एक ही बार भाई बहुत बड़ा खर्चा करेंगे और भाई चलेंगे यार एकदम मस्त तरीके से पिकनिक के ऊपर। इसलिए गाइस सिंचन और मैंने यार पूरे 100 करोड़ का लोन ले लिया था और भाई साहब हम लोगों ने पूरा यॉट हम दोनों के लिए बुक कर लिया। और गाइस हम लोग देख रहे हो भाई साहब कितना बड़ा यॉट है और जो कि भाई पूरा खाली है भाई। ये यॉट बस भाई सिंचन और मेरे लिए बना हुआ है। बट यार गाइस हम लोग देख रहे हो भाई कितना ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर खड़े रहकर भाई एकदम मस्त वाली ठंडी ठंडी हवाएं खाओ। और अगर गाइस तुम्हें कुछ और करना है तो भाई वो सब भी हो जाएगा। बट आप यार पहले तो मैं आप सभी को टूर देता हूँ अपने इस यॉट का, भाई तुम लोग देखोगे तो पागल हो जाओगे। तो ये देखो गाइस, यहाँ पर हमारा छोटा सा बेडरूम है भाई, इसको छोटा नहीं बोल सकते भाई, ये बहुत बड़ा बेडरूम है। मतलब यार यहाँ पर बैठकर आप लोग एकदम मस्त वाला सी का व्यू देख सकते हो। और यहाँ पर अंदर की तरफ गाइस हमारा बेडरूम है, यहाँ पर गाइस हमारा बेडरूम तुम लोग देखो भाई कितना आलीशान है भाई, कितनी ज्यादा लग्जरी यॉट है भाई ये, तो भाई मजा आ गया। और यहाँ पर गाइस आई थिंक हमारा डाइनिंग है, यहाँ पर तो गाइस मैंने अभी तक बैठकर खाना नहीं खाया, मैंने तो बस ऊपर बैठकर खाना खाया। इसलिए गाइस यार यहाँ पर जो सामान था वो वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। और यार रुको भाई, मैं आप सभी को और भी बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाता हूँ। यहाँ पर गाइस, यहाँ पर हमारा एक और एक छोटा सा बेडरूम है और यहाँ पर गाइस हम लोग बैठकर जो चीज कर सकते हैं, मतलब यार एक छोटा सा मिनी रूम है। यहाँ पर गाइस हमारा शावर है, यहाँ पर भाई बेसिन है और भाई यहाँ पर टॉयलेट भी है। तो गाइस अभी तुम्ही लोग मुझे बताओ भाई साहब है ना सबसे ज्यादा महंगा यॉट। और यार गाइस यहाँ से हम लोग बाहर जाकर एकदम मस्त वाला व्यू देख सकते हैं भाई, चारों तरफ देखो ना भाई कितना मस्त लग रहा है। बट यार गाइस हम लोग गए थे यार नॉर्थ एंडिंग की तरफ इस यॉट को लेकर, वहाँ पर गाइस आपको पता है वहाँ पर हम लोगों ने इस यॉट को लगा दिया और पूरे एक दिन तक हम लोग घूम रहे थे यार भाई, कितना ज्यादा मजा आया वहाँ पर भाई। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी भाई, कितनी ज्यादा ठंड लग रही थी। वो तो गाइस हम लोग हमारा स्वेटर साथ में लेकर गए थे, तभी यार गाइस हम लोग बच पाए, नहीं तो यार हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। और यार ये देखो गाइस, ये रहा सिंचन, पता नहीं भाई यहाँ पर कर क्या रहा है। अबे ये देखो भाई, ये तो यहाँ पर डांस देख रहा है लड़कियों के। अबे भाई सिंचन ये सब क्या चल रहा है तेरा? थैंक यू भाई, देखो ना यार ये दोनों औरतें यार क्या ही मस्त वाला डांस कर रही है। अबे हाँ भाई वो तो मैं भी देख पा रहा हूँ, बट यार इस यॉट के ऊपर तो हम दोनों ही थे, ये दोनों कब आए? थैंक यू भाई, मैंने तो यार इन दोनों को अभी कॉल करके बुला लिया, आपने जो मेरे पास 10,000 रुपए देते ना तो यार मैंने इन दोनों को वो 10,000 रुपए दे दिए और इन दोनों का डांस देख रहा हूँ मैं। अबे क्या भाई सिंचन, तू भी ये सब छोड़ भाई, अभी हमारा घर पे जाने का टाइम हो चुका है। क्या कहा इतनी जल्दी घर पे जाना है? बहलकर भाई पूरे 5 दिन हो गए और भाई हमारे जो 100 करोड़ रुपए थे वो भी खर्च हो गए। और ये देखो भाई हम लोग लॉस सेंटर्स में आ चुके हैं, अभी वहाँ से हमें निकलना होगा। चलो एक काम करते, इसी यॉट को किनारे के ऊपर ले चलते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, ये यॉट बहुत ज्यादा बढ़िया है भाई सिंचन, इस यॉट का सफर यही तक था हमारे पास। अभी चल भाई हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ चलो चलो, मैं तो आ ही रहा हूँ, आ जा भाई। चलो गाइस अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और अपने घर पे जाकर चॉप को एकदम मस्त वाला सरप्राइज देते हैं। वो तो गाइस हम लोग चॉप को ले जाना ही भूल गए थे यार अपने साथ। बट यार गाइस चॉप भी आना नहीं चाहता था हमारे साथ, क्योंकि गाइस यार उसको पानी के अंदर डर लगता है। उसने कहा कि भाई उसको उल्टिया उल्टिया हो जाती भाई पानी के अंदर, इसलिए गाइस इस बार तो चॉप हमारे साथ आया नहीं था। बट यार गाइस मैं सोच रहा हूँ अगली बार यार भाई साहब बड़ा सा लोन लूंगा और भाई साहब चलूंगा कहीं और घूमने के लिए। मैं तो सोच रहा हूँ चलो फैंकी भाई एक काम करते, इंडिया चलते हैं। अरे नहीं भाई इंडिया कहा, मैं तो बोलता भाई दुबई वही चलेंगे। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ भाई बट उससे पहले हमारी कार के पास चलो। अबे यार आंटी दो बार ठोके चले गई। अबे यार ये लोग बिना छोड़ो भाई कोई बात नहीं। ये देखो गाइस ये जो हमारी कार है, इसको भाई मैं पूरे 5 दिनों पहले यहीं पर पार्क करके चला गया था। और अपनी कार देखो भाई अभी भी एकदम बढ़िया तरीके से सही सलामत है। अभी भाई पड़ाचे लेते अपनी कार को और भाई निकलते अपने घर की तरफ। आ जा भाई सिंचन बैठ जा पड़ाचे। हाँ रुको रुको यार, आने तो तू मुझे यार, इतने दिनों बाद जमीन के ऊपर चल रहा हूँ। हाँ भाई बिल्कुल भाई सिंचन तूने सही कहा। बट यार फैंकी भाई अभी मुझे एक बात बताओ, आपने जो 100 करोड़ का लोन लिया था इसी यॉट के लिए, उसके पैसे कैसे भरोगे? वो तो सोचा नहीं यार मैंने अभी तक, तो सोचे ना यार कैसे भरोगे पैसे? आपने तो उन बैंक वालों को कहा था ना यार 5 दिनों बाद मैं आपके पैसे दे दूंगा। हाँ भाई वो तो कहा था यार मैंने। बट यार भाई सिंचन तू फिकर मत कर, मैं उन्हें यार हम लोग कोई ना कोई तो रास्ता निकाल लेंगे भाई पैसे भरने के लिए। अच्छा ठीक है तो चलो घर पे। हाँ भाई घर पे तो चलता है। बट यार गाइस जब तक हम लोग हमारे घर पे जाते हैं, तब तक यार गाइस मैं आप सभी को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट देना चाहता हूं अपने वीडियोस के अंदर। तो गाइस आज का अपना पहला शाउट आउट जाता है अपने देवांश भाई को, इनका बर्थडे आता है 15 मई को। तो देवांश भाई आपका बर्थडे अगले महीने में आने वाला है। तो यार देवांश भाई आपको यार मेरी तरफ से और भाई सिंचन की तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और भाई एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे एडवांस आपके बर्थडे के लिए। और गाइस अपना अगला शाउट आउट जाता है अपने अरमान भाई को, इनका बर्थडे आता है 20 जनवरी को। तो अरमान भाई आपका बर्थडे यार 2 महीनों पहले हो गया, फिर भी यार कोई बात नहीं, अरमान भाई आपको भी यार हमारी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और भाई एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे एडवांस अपने अगले साल के बर्थडे के लिए। और गाइस अपना आखिरी शाउट आउट जाता है अपने दिव्यांशु जी को, इनका बर्थडे आता है 2 अप्रैल को। मतलब यार दिव्यांशु जी आपका बर्थडे आज है, तो दिव्यांशु जी आपको यार मेरे यार सिंचन की तरफ से आपके जन्मदिन की बहुत सारी बधाई और आपको एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट यार। और गाइस आपको भी हमारे वीडियोस के अंदर ऐसा शाउट आउट चाहिए तो गाइस यार एक काम कर देना भाई, फटाफट से इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हां गाइस कर देना फटाफट से इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब, और कमेंट के अंदर अपना नाम और अपनी बर्थडे जरूर लिखना। हां गाइस लिख देना अपना नाम और अपनी बर्थडे हमारे कमेंट के अंदर। और अभी तो चलो गाइस चलते फटाफट से अपने घर पे, और भाई घर पे जाकर चॉप को एकदम मस्त वाला सरप्राइज देते हैं, क्योंकि गाइस चॉप को हमने अभी तक कॉल करके बताया भी नहीं है कि हम लोग आज आने वाले हैं। इसलिए गाइस चलो चलते फटाफट से घर पे। अब चलो भाई जाकर अभी फटाफट से अपना पेडिग्री खा लेते हो भाई, बड़े जोरों से भूख लग रही है। बट पता नहीं यार ये कलवार ये सिंचन कब आएंगे भाई, कितने दिन हो गए यार ये लोग अभी तक आए नहीं, पता नहीं यार अभी कितना टाइम लगने वाला इनको आने में। अरे घर में कौन है, जरा बाहर आओ। अबे कौन बोला? हेलो फ्रैंकलिन घर में हो?
तुम? अबे यार लगता है हमारे कलवे का कोई दोस्त आया, चलो चल कर देख लेता भाई साहब, उसको बोल दूंगा कलवा घूमने के लिए गया। वैसे भी यार मुझे लगता है कलवे ने अभी तक अपने किसी दोस्त को बताया नहीं है कि भाई साहब वो 100 करोड़ का लोन लेकर घूमने चला गया है। यार मुझे क्या, मैं तो जाता हूँ और बताता हूँ उसके दोस्त को। आ रहा है भाई, हमारा कलवा बाहर गया घूमने के लिए। अरे क्या कहा, फ्रैंकलिन बाहर गया? अब हाँ भाई साहब, तुम कौन हो वैसे बताओ जरा मुझे। अरे हम तो बैंक वाले है। अब क्या कहा, बैंक वाले? अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बैंक वाले है, जो की लॉस एंजेलस की सबसे बड़ी इंटरनेशनल बैंक है ना वो है हम। अच्छा बोलो भाई, क्या काम पड़ गया हमारे कलवे के पास? अरे दरअसल यार तुम्हारे घर में जो फ्रैंकलिन रहता है ना, उसने हमसे पूरे पूरे 100 करोड़ का कर्जा ले रखा है। अब हाँ वो तो मुझे पता है, तो भाई बताओ क्या हो गया? तो यार फ्रैंकलिन ने कहा था कि यार वो पूरे पूरे 100 करोड़ 5 दिनों बाद लौटा देगा। तो यार अभी तक हमारे पैसे मिले नहीं, तो हम लोगों ने सोचा हम ही चलते तुम्हारे पास पैसे लेने के लिए। अबे तो भाई काम करो, कभी और टाइम आ जाना, कल वो अभी तक घर पे नहीं आया। अरे कहाँ पर गया फ्रैंकलिन, जरा बताओ कि मुझे। अबे वो तो चला गया बाहर घूमने के लिए लॉर्ड लैंटन में। अरे क्या बात कर रहे हो यार, मतलब यार ये फ्रैंकलिन हमारे पैसे लेकर भाग गया? अरे नहीं नहीं भाई, तुम लोग फिकर मत करो, हमारा जो कलवा ना इसने तुम्हारे बैंक से पैसे लिए और भाई साहब उन 100 करोड़ रुपए से एक बड़ा सा यॉट लिया और गया था भाई अपने छोटे भाई के साथ घूमने के लिए। तो तुम लोग एक काम करो, एक दो दिनों बाद आ जाना, तब वो आ जाएगा और फिर तुम उससे पैसे भी ले लेना अपने। अरे नहीं नहीं, फ्रैंकलिन ने कहा था कि यार वो 5 दिनों बाद हमारे पैसे लौटाएगा, तो हमें आज के आज हमारे पैसे चाहिए, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो हम तुम्हारे घर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तुम देख ही सकते हो मेरे पास 3-3 सिक्योरिटी गार्ड है। अब हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, मैं तुम्हें आज का दिन देता हूँ, तुम कुछ भी करके अपने कलवे को फोन करो और बुला लो यहाँ पर अभी के अभी और हमारे पैसे लौटा दो। बस गाइस अभी हम लोग पहुंच जाएंगे हमारे घर की तरफ। यहाँ से बस भाई लेफ्ट मार रहे हैं और भाई आगे की का मोहल्ला छोड़ के आगे से लेफ्ट मार के हम लोग हमारे मोहल्ले में पहुंच जाएंगे। फिर तो गाइस हम लोग मस्त तरीके से अपने घर पे जाकर आराम करने वाले हैं। भाई पूरे 5 दिनों तक हम लोगों ने कितनी ज्यादा मौज मस्ती की भाई, मजा आ गया 5 दिनों में तो। मैं तो सोच रहा गाइस ऐसी छुट्टी हम लोग हर बार निकालते रहे, बट छोड़ यार भाई इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे। और यार ये देखो गाइस, मैंने चॉप के लिए बर्गर भी ले रखा है भाई, उसको मैंने अभी तक कुछ खिलाया नहीं यार, वो इतनी दूर से आई थिंक पेडिग्री खा रहा होगा, तो इसलिए गाइस मैंने सोचा चलो भाई अपने चॉप को आज बर्गर खिला दिया जाए। हाँ पैंकी भी आपने बिल्कुल सही कहा, अभी चले यार बड़ा अच्छे घर पे चलकर आराम करेंगे। बिल्कुल भाई आराम तो करेंगे, बट एक सेकंड भाई हमारे घर के बाहर ये लोग क्या कर रहे हैं? अबे भाई चौप ये सब क्या चल रहा है? अबे भाई कलवे तू आ गया भाई, तू तो अभी और 2-3 दिनों बाद आने वाला था ना। अबे हाँ भाई मैंने बस 5 दिन की छुट्टी निकाली थी, तू मुझे एक बात बता भाई ये लोग कौन है? अरे वो नहीं मैं बताता हूँ हम लोग कौन है। हाँ बता भाई कौन है तुम? दरअसल यार मैं हूँ लॉस एंजेलस इंटरनेशनल बैंक का मैनेजर। अरे हाँ हाँ बोलो बोलो सर क्या हो गया? यार तुम भूल गए 5 दिनों बाद तुम हमारे 100 करोड़ देने वाले थे। अरे नहीं नहीं सर मैं कैसे भूलूंगा सर, मुझे सब कुछ याद है, मुझे आपके 100 करोड़ देने हैं पूरे पूरे 5 दिनों बाद। हाँ तो यार वो 5 दिन हो गए ना आज। अरे हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा यार, बट सर आप फिकर मत करो, मैं कल के कल आपके पैसे लौटा दूंगा। बट यार तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? और मुझे एक बात बताओ, तुमने 100 करोड़ का कर्जा निकाल तो लिया, बट यार उन पैसे से तुम मौज मस्ती करने चले गए। अरे हाँ हाँ सर मैंने सोचा चलो यार थोड़ा मोटा कर्जा निकाल लेते हैं, फिर चलेंगे भाई एकदम मस्त तरीके से पिकनिक के ऊपर। अरे वाह ये तो बढ़िया बात है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना था तुम्हें कर लिया। अब एक काम करो फटाफट से हमारे पैसे लौटाओ, मुझे अभी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि यार अभी मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा लगता नहीं है कि यार तुम हमारे पैसे लौटा पाओगे। अबे सर एक काम करो कल आ जाओ यार, मैं आपके पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा। हाँ सर कल आ जाना, हम लोग यार अभी बहुत ज्यादा थक कर आ गए, तो यार आज हम लोग सोच रहे कि अभी हम लोग सो जाएंगे। नहीं नहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी यार चलो हमारे फटाफट से पैसे निकालो, नहीं तो अगर आज का तुमने हमारे पैसे नहीं दिए ना, तुम्हारे घर के ऊपर कब्जा कर देंगे और तुम्हें तो छोड़ेंगे नहीं, देख लेना फिर। अबे यार गाइस तुम लोग देख रहे हो ये लोग तो भाई मेरे ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं यार। अबे यार क्या करूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कैसे दूंगा भाई इनके 100 करोड़ रुपए। हाँ पैंकी भी अभी तुम्हें सोचो यार कैसे लाओगे इनके 100 करोड़ रुपए। अरे सोचो सोचो जल्दी सोचो, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आज शाम तक का टाइम है तुम्हारे पास। अरे हाँ सर सोच रहा हूँ यार, बट यार सर एक काम कर दो यार, थोड़े दिन और बढ़ा लो और यार उसके अंदर थोड़े बहुत पैसे भी बढ़ा लो। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, तुमने 5 दिन कहा है तो 5 दिन। अच्छा ठीक है सर मैं सोचता हूँ, अब यार मैं क्या करूंगा इस कहाँ से लाऊंगा भाई 100 करोड़ रुपए। मुझे तो लगा कि गाइस यार मैं आज के दिन आराम करूंगा और कल जाकर भाई इनके पैसे लौटा दूंगा, बट यार भाई ये लोग तो मानने के लिए रेडी नहीं है यार। अब यार मैं ऐसा क्या करूंगा जिससे कि भाई साहब मेरे पास पूरे पूरे 100 करोड़ रुपए आ जाए। अब यार क्या करूं कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे। पैंकी भाई काम करते वापस से जाकर कोई और बैंक से लोन लेते हैं। अरे नहीं भाई फिर हमें उस बैंक में भी पूरे पूरे 100 करोड़ भरने पड़ेंगे, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा गाइस यार जिसका इस्तेमाल करके गाइस यार हम लोग इनके पूरे पूरे पैसे भी लौटा दे और फिर भाई वापस से हमारे ऊपर कोई कर्जा भी ना हो। हाँ भाई ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा, बट यार ऐसा क्या करूं समझ नहीं आ रहा यार। रुको गाइस एक काम करता अपने किसी दोस्त से मदद मांग लूं। हाँ यार वो भी कर सकते हो आप, पर भाई सिंचन किससे मदद मांग सकते हैं अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम एक काम करो पैंकी भाई साइमन अंकल के पास चलो, तुम्हें तो पता यार उनका बहुत बड़ा कार का शोरूम है, क्या पता वो हमें पैसे दे दे। अबे हाँ यार ये तो कर सकता है, आ जा भाई सिंचन चलते साइमन के पास और भाई जाकर उसी से मदद मांग लेता है। अरे हुई बात तुम्हारे दोस्त से। अरे नहीं रुको भाई तुम लोग यहीं पर इंतजार करो, मैं कहीं ना कहीं से पैसे लेकर आता हूँ, जल्दी आ जाना फ्रैंकलिन, नहीं तो कल से तुम्हारे घर के ऊपर हमारा कब्जा हो जाएगा। अरे हाँ सर आप फिक्र मत करो अभी आता हूँ। अब भाई कल मैं क्या करूँ यहाँ पर रुक के। अरे तू रुक जा भाई चौब, हम लोग आते थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है भाई कल जल्दी आइयो। हाँ भाई आऊंगा। तो चलो गाइस एक काम करते पहले तो चलते भाई साइमन के शोरूम पे, एंड आई होप कि गाइस यार साइमन मेरी आज मदद कर दे, क्योंकि गाइस यार ये जो 100 करोड़ है ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी अमाउंट।
अकाउंट है, इसलिए गाइस यार मुझे ये नहीं लगता कि भाई सैमन भी हमारी मदद कर सकता है। बट यार भाई जाकर देखने में क्या ही जाता है, इसलिए गाइस अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है, फटाफट से चलते हैं भाई सैमन के शोरूम पे और जाकर भाई फटाफट से अपने दोस्त से मदद मांग लेते हैं। तब तक गाइस आप लोग भी चाहते हो कि भाई साहब ये 100 करोड़ का जो कर्जा है ये हम लोग फटाफट से चुका दे, तो गाइस यार एक काम कर दो भाई, फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हां गाइस कर दे यार अभी का अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब। और अभी तो चलो गाइस चलते फटाफट से सैमन के शोरूम पे, लेट्स गो। अरे चलो चलो हटो भाई मेरे रास्ते के बीच में से, भाई ये गाड़ी वाले भी ना यार देख रहे हो गाइस कैसे कैसे बीच में आ रहा है। और छोड़ो गाइस जैसे तैसे बचते बचाते हुए मैं आ चुका सैमन के शोरूम के पास, यहाँ से बस लेफ्ट मार के सैमन के पास जाना है और जाकर मैं अपने दोस्त से मदद मांगनी है। बट एक सेकंड भाई सैमन की सारी गाड़ियां बिक गई, अरे वायर ये तो बढ़िया बात है। अब तो गाइस मुझे अभी पक्का पता चल चुका है कि अपना जो दोस्त है भाई सैमन ये अपनी पक्की मदद करेगा। और ये देखो भाई ये रहा सैमन। हेलो भाई मेरे दोस्त सैमन कैसा है तू? अरे फ्रेंकली मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, बट यार मुझे एक बात बता तुम अपनी छुट्टी के ऊपर से कब आए? अरे बिल्कुल भाई बस जस्ट अभी आया। बट यार तू मुझे एक बात बता भाई, तेरे पास अभी कुछ पैसे मिलेंगे मुझे? क्या क्या पैसे? अरे बिल्कुल भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए थे उधार। अच्छा ठीक है बता फ्रेंकली कितने पैसे चाहिए? वो तो यार थोड़ी बढ़िया अमाउंट है। अरे हाँ बता बता फ्रेंकली कितने चाहिए जरा बताओ तो। हाँ तो भाई मुझे चाहिए पूरे पूरे 100 करोड़ रुपए। क्या कहा 100 करोड़? अरे बिल्कुल भाई 100 करोड़ की जरूरत है आज मुझे, आज के दिन तो नाम मत बोल दे मुझे। अरे पर फ्रेंकली मेरे पास इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? तुम्हें पता अगर मैं इस शोरूम को भी बेच दूं ना तो फिर भी यार मेरे पास 100 करोड़ नहीं आ पाएंगे। क्या बात कर रहा है भाई तेरे पास है नहीं 100 करोड़? बिल्कुल यार फ्रेंकली सच्ची में मेरे पास 100 करोड़ नहीं है। अब यार तुम ही देख लो क्या कर रहा है। अब यार गाइस तुम लोग देख रहे हो सैमन के पास भी भाई 100 करोड़ नहीं है। अब यार क्या करूं भाई मुझे बड़ा जोर से गुस्सा आ रहा है साला, क्या करूं यार कहां से लाऊंगा 100 करोड़? फ्रेंकली भी अभी तुम्हें दिमाग लगाओ यार, हमें कुछ ना कुछ तो करके 100 करोड़ लाने पड़ेंगे, नहीं तो यार वो अंकल हमारे घर के ऊपर कब्जा कर लेंगे, फिर तो यार हम दोनों को रास्ते के ऊपर रहना पड़ेगा। अबे हम दोनों को नहीं भाई चौप को भी। अबे यार गाइस कुछ तो करना पड़ेगा भाई, 100 करोड़ भाई यहाँ पर तो नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंकली एक काम करो लेस्टर के पास जाओ, क्या पता लेस्टर तुम्हारी मदद कर दे। अबे तुझे लगता है भाई पक्का लेस्टर मदद करेगा? हाँ हाँ जाओ जाओ यार, वैसे भी यार लेस्टर कितनी बड़ी बड़ी चोरियां करता रहता है, उसके पास आई थिंक मिल जाएंगे तुम्हें पैसे। अच्छा ऐसी बात है, तो चलो भाई चलते हैं लेस्टर के पास और भाई जाकर लेस्टर से ही मदद मांग के देखते हैं। बट यार फ्रेंकली आपको पता ना लेस्टर अंकल बड़े खड़ूस है, वो आपको कभी भी पैसे नहीं देंगे। इससे पहले भी यार आपने उनके पास कितने बार पैसे मांगे उन्होंने आपको दिए नहीं है। हाँ भाई सिंचन तुमने बिल्कुल सही कहा, बट यार आज के दिन तो भाई हमें कहीं ना कहीं से तो पैसे लाने ही पड़ेंगे। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, इसलिए भाई सिंचन अभी चलते हैं भाई लेस्टर के घर पे और जाकर भाई उसी से मदद मांग के देखते हैं। हाँ तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी भाई हमारे पास दूसरा ऑप्शन भाई लेस्टर, तो अभी हम लोग जा रहे भाई लेस्टर के पास मदद मांगने के लिए। और आई होप कि भाई लेस्टर तो हमारी इस बार मदद कर दे, क्या पता गाइस वो हमें 100 करोड़ दे दे। हाँ भाई फिर तो मजा आ जाएगा यार, इसलिए गाइस चलो चलते बड़ा लेस्टर के घर पे और जाकर देखते गाइस आज हमारी लेस्टर मदद कर पाता या फिर नहीं। तो चलो चलते बड़ा लेट्स गो। मैं आ रहा हूँ मेरे भाई लेस्टर तुझसे मदद मांगने के लिए, लेट्स गो गाइस। बस अभी मैं पहुंच जाऊंगा लेस्टर के घर पे, अब जाकर गाइस बस लेस्टर से मदद मांगनी है। बट आई होप कि भाई लेस्टर घर पे हो। बट यार गाइस आते आते मैंने और एक बढ़िया सा प्लान सोच लिया है कि गाइस यार मैं भाई सोच रहा हूँ एकदम बड़ी सी चोरी कर लूँ, जिसके कारण गाइस यार मेरे पास भी बहुत सारे पैसे आ जाए। बट यार गाइस वो चोरी करने के चक्कर में बस पकड़ा ना जाऊ इसी बात का डर है। बट आप पहले तो लेस्टर से मदद मांगते, एक सेकंड भाई लेस्टर तो ये रहा घर के बाहर। अरे वाह भाई मजा आ गया। हेलो भाई लेस्टर कैसा है तू? अरे फ्रैंकलिन इतने डिनर बाट वो भी मेरे घर पे। अरे बिल्कुल भाई तुझसे ऐसे ही मिलने के लिए आ गया था। अरे हाँ फ्रैंकलिन वो तो तुम झूठ बोली मत, मुझे एक बात बताओ आज क्यों आयो तुम यहाँ पर? अरे वो तो छोड़ भाई, मैं तुझसे ऐसे ही मिलने के लिए आता, मैं जा रहा हूँ भाई। भाई यार गाइस तुम लोग देख रहे हो लेस्टर भाई कितना खड़ूस है, भाई सीधा काम की बात पर आ गया। अरे बटाओ बटाओ फ्रैंकलिन यहाँ पर, जरा मुझे भी तो पता चले भाई कौन सी मदद की जरूरत पड़ गई। अरे वो तो यार लेस्टर मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। हाँ तो बताओ कितने चाहिए? अरे वो तो भाई तू पक्का देगा ना? अरे पहले फ्रैंकलिन बता दो कितने पैसे चाहिए तब मैं बताता हूँ। अच्छा तो भाई तू मुझे 100 करोड़ देगा? क्या बात कर रहा है फ्रैंकलिन 100 करोड़? अरे बिल्कुल भाई मुझे आज थोड़ी 100 करोड़ की जरूरत है, और प्लीज भाई दे दे यार आज के लिए 100 करोड़, भाई कुछ दिनों बाद मैं तेरे पैसे दे दूंगा। अरे पर तुम कहाँ से ढोगे फ्रैंकलिन इतने सारे पैसे? अगर मैं तुम्हें दे भी दूं, बट यार फ्रैंकलिन शायद यार मैं तुमसे माफी मांगता हूँ क्योंकि यार मेरे पास इतने सारे पैसे है नहीं। क्या नहीं है? अरे बिल्कुल फ्रैंकलिन इतने पैसे मेरे पास है नहीं यार, अब मैं क्या करूँ? अगर मेरे पास होते तो पक्का दे देता मैं। अबे तू देता ही नहीं यार मुझे पक्का बताए, और यार मुझे ये भी पता कि भाई तेरे पास अभी पैसे है बट यार तू दे नहीं रहा। हाँ यार लेस्टर अंकल दे दो ना यार प्लीज हमें पैसे, नहीं तो यार हमारे घर के ऊपर वो बैंक वाले कब्जा कर लेंगे। और क्या कहा? बैंक वाले कब्जा कर लेंगे? बिल्कुल भाई, मैंने यार बैंक से 100 करोड़ का कर्जा निकाला था और भाई वो लोग आज वही पैसे लेने के लिए आ गए, और अगर भाई लेस्टर मैंने आज रात तक उनके पैसे नहीं दिए ना भाई वो लोग मेरे घर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। और यार फ्रैंकलिन फिर तो तुम रहोगे कहाँ पर? रास्ते के ऊपर। अरे इसलिए तो बोल रहा हूँ भाई प्लीज मेरी कुछ मदद कर दे भाई, कोई ना कोई तो रास्ता होगा पैसे जमा करने का। और सोचने दो फ्रैंकलिन मुझे। हाँ भाई सोचो भाई कोई तो रास्ता होगा। फ्रैंकलिन सुनो सुनो, मैं तुम्हें एक लोकेशन देता हूँ, वहाँ पर जाओ और भाई वहाँ पर जाकर मेरा एक दोस्त आएगा तुमसे मिलने के लिए, उससे जाकर पैसे मांग के देखो क्या पता तुम्हें पैसे दे दे। अच्छा तेरे दोस्त के पास मिल सकते पैसे? अरे हाँ फ्रैंकलिन वो तो देखना पड़ेगा, बट यार पूछने में क्या ही डाटा, जाओ यार उसके पास जाओ और जाकर उससे पैसे मांग लो। अच्छा ठीक है भाई सैमन अभी जाता हूँ, और भाई तू फटाफट से मुझे लोकेशन भेज दियो। अरे वो लोकेशन तो तुम्हें भी पता है। अरे कौन सी भाई? अरे तुम्हें प्रश्न
एजेंट का घर पता है? हाँ हाँ भाई पता है। हाँ तो वहीं पर जाकर खड़े हो जाए, मेरा दोस्त आ जाएगा। अच्छा ठीक है भाई अभी जाता हूँ। आ जाओ भाई सिंचन बैठ जा पड़ा, अभी निकलते वहाँ पर उस लोकेशन के लिए। हाँ चलो चलो आज तो मजा आएगा। और जाकर उन बैंक वालों को उनके 100 करोड़ दे देंगे और फिर हम लोग हमारे घर को बचा भी लेंगे। वेलकम भाई सिंचन तुमने सही कहा। अब बस गाइस लश के दोस्त के पास हमें 100 करोड़ मिल जाने चाहिए, फिर तो गाइस मजा आ जाएगा और हम लोग हमारे घर को भी छुड़ा लेंगे। बट यार उससे पहले भाई मुझे अभी भी डर लग रहा है कि गाइस हम लोगों ने बैंक वालों के पैसे नहीं दिए तो फिर तो गाइस बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है और हम लोग तो भाई रास्ते के ऊपर आ जाएंगे भाई, इसलिए मुझे डर लग रहा है। इसलिए गाइस अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते भाई प्रेसिडेंट के घर की तरफ। लेट्स गो। अरे पैंकी भाई हमें और कितना टाइम लगने वाला पहुंचने के लिए? अरे बस भाई पहुंच ही जाएंगे। यहाँ से बस भाई मैप में दिखा रहा है कि राइट मारना है और यहाँ से बस सीधा सीधा चल के हम लोग प्रेसिडेंट के घर के पास पहुंच ही जाएंगे। अच्छा ठीक है। बट यार आपने वो लेस्टर के दोस्त को कॉल किया था? हाँ भाई मैंने उस बंदे को भी कॉल किया था, अब पता नहीं भाई वो कब तक आएगा। चलो गाइस जाकर उसका इंतजार करेंगे। एक सेकंड, अबे ये क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ पैंकी भाई देखो यार ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ मारपिटाई चल रही है। हाँ भाई लगता तो ऐसा ही है। रुको गाइस एक काम करते अपनी कार यहीं पर रोकते हैं और भाई इनकी बातें सुनते, पता नहीं भाई यहाँ पर क्या चल रहा है। अरे ओ बुड्ढे चल पड़ा से, तेरे पास जितने भी पैसे निकाल बाहर। अरे मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है बच्चों, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास तो अभी खाना खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाना हो तो प्लीज मुझे दे दो। अरे बुड्ढे हम लोग खाना वाना नहीं, हम लोग तुझसे पैसे मांगने के लिए आए पैसे। चल भाई पड़ाट से पैसे निकाल, नहीं तो तेरा मुंह फोड़ देंगे हम लोग। तुझे पता नहीं हम लोग कौन है? हम लोग है लॉस गैंग के बंदे, लॉस गैंग के। अबे यार गाइस तुम लोग देख रहे हो ये लॉस गैंग के बंदे भाई कितने हरामी है यार। भाई ये लोग यार एक बुड्ढी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उसको मार रहे यार भाई, और भाई उससे पैसे मांग रहे हैं। और वो देखो भाई उस बुड्ढे का एक टेंट है यार। भाई ये लोग एक गरीब इंसान से पैसे वसूल रहे हैं। हाँ तो पैंकी भाई जाओ ना उस बुड्ढे इंसान की जान बचा लो। अबे पर भाई उन लोग के हाथ में तो बेसबॉल बैट है। अबे रुको भाई मेरे पास भी, मैं क्यों डर रहा हूँ? ये देखो गाइस मेरे पास भी बेसबॉल बैट है, अभी जाकर इन लोगों को सबक सिखाता हूँ, क्योंकि यार भाई ये लोग एक बुड्ढे इंसान को परेशान कर रहे हैं। साले निकल। आ रहा है तुमने हमारे इंसान को कैसे मारा? अभी ये ला साले तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अबे छोड़ोगे नहीं क्या भाई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चल एक बुड्ढे इंसान को परेशान कर। अबे यार मार रहा है तू? अबे यार तुम लोग को तो अब मैं छोड़ने नहीं वाला, तू भी निकल। और भाई तुझे भी नहीं छोड़ूंगा साले, तू भी एक। अबे यार ये तो मार रहा है। आ रहा है यार मार दिया यार। अबे साले ऐसे ही मारूंगा। आ रहा मैं भी डरता नहीं, मैं भी उठूंगा। रुको अभी उठता हूँ। अबे तू उठेगा साले? उठाना भाई तेरे सीधा सर में मार दूंगा बेसबॉल बैट। माफ कर दो माफ कर दो। अरे बच्चे धन्यवाद यार, तुमने तो आज मेरी जान बचा ली। अरे चलो अंकल कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उठ जाओ यार और भाई रह लो अपने इस घर में। अरे हाँ बच्चे वो तो मैं रहूंगा ही, बट यार बच्चे तुमने आज मेरी जान क्यों बचाई? अरे वो सब छोड़ो ना अंकल, उसमें क्या। और एक सेकंड गाइस ये देखो यार ये बर्गर तो मैं अभी भी लेकर घूम रहा हूँ। एक काम करता हूँ अंकल को बर्गर दे देता हूँ, वैसे भी यार उनको बड़े जोरों से भूख लग रही थी। हाँ दे दो पैंकी भाई, वैसे भी हम लोग गरीबों का भला तो कर देंगे। बिल्कुल भाई तुमने सही कहा, तो ये लो अंकल आप इस बर्गर को खा सकते हो। अरे थैंक यू सो मच बच्चे, तुम तो बहुत अच्छे, तुमने तो मुझे खाना भी दे दिया। अरे वेलकम अंकल, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो मैं जाता हूँ। अरे हाँ बच्चे रुको एक मिनट, बात तो सुनो। अरे बता अंकल क्या हो गया? बच्चे तुमने जो आज मेरी जान बचाई है ना, इसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या है कुछ देना चाहते हो? आपके पास कुछ है भी देने के लिए? अरे बिल्कुल बच्चे है, रुको अभी देता हूँ। ओम प्रेम श्रीम, इस बच्चे की प्रॉब्लम सुझा आइसक्रीम। अरे क्या बोल रहे हो अंकल, एक सेकंड। अबे ये क्या हो रहा है गाइस? तुम लोग देख रहे हो भाई मेरे अंदर से पिंकला का धुआं आ रहा है। हाँ पैंकी भाई वो तो मैं भी देख पा रहा हूँ, बट यार आपने नोटिस किया वो अंकल तो यहाँ से गायब हो गए। क्या गायब हो गए? अबे हाँ वो तो मैंने देखा ही नहीं। अबे यार गाइस तुम लोग देख रहे हो, वो अंकल तो भाई यहाँ से लिटरली गायब हो गया यार। पता नहीं गाइस वो अंकल कहाँ पर चले गए, बट यार ये जो धुआं मेरे अंदर से आ रहा है ना, ऐसा लगता है गाइस वो अंकल अभी कुछ तो बोल कर गए, उसके बाद से आने लग गया है। बट यार पैंकी भाई आपके साथ ये हो क्या रहा है, आपको समझ में आया? अबे नहीं भाई वो तो मुझे अभी भी समझ नहीं आया। बट यार गाइस यहाँ पर ये टेंट है, इतने सारे लोग है, पता नहीं भाई ये क्या ड्रामा है। अरे रुको गाइस एक काम करता हूँ, कहीं ना कहीं जाकर उन अंकल को ढूंढता हूँ। एक सेकंड, अबे धुआं तो रुक गया ना? हाँ पैंकी भाई धुआं तो रुक गया, बट यार कैसे रुका आपको पता है? अरे नहीं भाई वो तो मुझे भी नहीं पता, रुक जा भाई उन अंकल को आवाज देता हूँ। हेलो अंकल आप यहाँ पर हो कहीं पे आसपास? हेलो अंकल पता नहीं भाई ये कहाँ पर चले गए। एक सेकंड, अरे यार ये क्या हो रहा है भाई? सिंचा तू देख रहा है हमारी कार तो भाई लिटरली गोल्ड की बन गई। अरे हाँ पैंकी भाई कैसे पॉसिबल है? अरे ये तो मुझे भी नहीं पता यार, बट यार ये ओरिजिनल गोल्ड है या फिर भाई कलर है? रुको भाई चार्ट कर देख लेता हूँ। रुको गाइस चाटता हूँ। अरे यार एक सेकंड गाइस, हमारी कार तो भाई लिटरली सच में गोल्ड की बन गई यार। अरे वाह भाई मजा आ गया। बट यार सिंचा मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि अपनी ये जो कार है गोल्ड की कैसे बनी। पैंकी भाई मुझे लगता है जैसे आपने इस कार को टच किया ना, तब यार हमारी कार गोल्ड की बन गई होगी। अबे ऐसे कैसे बन जाएगी भाई? अरे हाँ पैंकी भाई मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो रुक जा भाई किसी और की कार को भी टच करके देखता हूँ, क्या पता भाई उनकी भी कार गोल्ड की बन जाए। हाँ बिल्कुल सही कहा, इस कार को टच करके देखो। अरे बिल्कुल भाई अभी करता हूँ। ये क्या टच? और लो यार ये भी कार बन गई गोल्ड की। बिल्कुल भाई सिंचा तूने सही कहा यार। गाइस तुम लोग देख रहे हो मैं किसी भी चीज को टच कर रहा, वो चीज भाई लिटरली गोल्ड के अंदर चेंज हो रही है। मतलब गाइस तुम लोग देख रहे हो, ऐसे तो गाइस यार इन इंसानों को टच करो तो ये भी गोल्ड का बन जाएंगे। अरे नहीं नहीं भाई इंसानों को छोड़ो, इस स्टैंड को टच करता हूँ। ये क्या टच? और यार ये देखो गाइस यहाँ पर भी कितना सारा गोल्ड आ गया। अरे वाह, मतलब गाइस तुम लोग देख रहे हो मेरे पास एक यूनिक पावर आ चुकी है, जिसका इस्तेमाल करके गाइस मैं किसी भी चीज को टच करके गोल्ड के अंदर चेंज कर सकता हूँ। फिर तो गाइस यार मैं अपना जो 100 करोड़ का कर्जा है वो तो ऐसे उतार सकता हूँ। अबे हाँ भाई मजा आ जाएगा। अरे भाई सिंचन आ जा पड़ाट से बैठ जा। अरे बताओ क्या हो गया अभी? अरे तो बैठ जा भाई पड़ाट से। और ये देख भाई सिंचन यहाँ पर कितना सारा गोल्ड
रूट आ गया। गाइस यार अब तुम लोग देखो यार, अभी अपने घर पे जाता हूँ और भाई उन बैंक वालों को उनके पैसे लौटा कर भाई अपना घर वापिस से बचा लूंगा। बट गाइस मैं तो सोच रहा हूँ उस घर को छोड़ ही देता हूँ और भाई बहुत सारा गोल्ड डायमंड बनाता हूँ और फिर गाइस खरीद लूंगा एक बड़ा सा घर। अरे चलो भाई वो तो बाद में देखेंगे, बट आओ गाइस पहले तो चलते अपने घर पे और जाकर भाई अपना 100 करोड़ का कर्जा निपटा देते हैं। तब तक गाइस तुम लोग एक काम कर देना, फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस चलते फटाफट से, लेट्स गो। बस भाई अभी यहाँ से नीचे जाना है और भाई पहुंच जाएंगे अपने घर के पास। बट यार आई थिंक गाइस वो बैंक वाले चले गए या फिर नहीं वो तो मुझे भी नहीं पता। आओ गाइस चल कर देख लेते हैं कि नहीं। अभी ये देखो ये रहे वो बैंक वाले। अबे जाकर भाई इनके पैसे मैं इनके मुंह के ऊपर मारता हूँ। हेलो सर मैं आ गया आपके पैसे लेकर। अरे भाई इतने जल्दी आ गए? अरे बिल्कुल सर मैं आ गया, बट यार सर मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, उन पैसों के बदले मैं आपको बहुत सारा गोल्ड दूंगा। क्या कहा गोल्ड? अरे बिल्कुल सर, आप देखो मैं क्या करता हूँ। तो चलो अभी डस्टबिन को टच करता हूँ और ये लो अंकल ये बन गया आपके 100 करोड़ रुपए के गोल्ड। अरे पर ये किया कैसे तुमने? अरे उसे आपको क्या करना है भाई, आप यार ये सारे का सारा गोल्ड लेकर यहाँ से जा सकते हो अभी, क्योंकि भाई मैंने आपके सारे के सारे पैसे भाई चुका दिए। अरे थैंक यू सो मच फ्रैंकलिन सर। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई, आ जाओ भाई सिंचा चलते हैं घर के अंदर। और भाई घर में जाकर अभी अपने सारे के सारी चीजों को टच करके गोल्ड में चेंज करता है। हाँ कर दो, मैं अभी देखना चाहता हूँ कौन कौन सी चीजें गोल्ड में चेंज होती है। बिल्कुल भाई तू देख अभी मैं क्या करता हूँ, गिर गया यार। चलो भाई कोई बात नहीं, ये टेबल को भी टच हो गया, अम्ब्रेला को भी टच हो गया। अब यार वहां पर भी एक अम्ब्रेला बचा हुआ है, उसको भी टच कर देता हूँ। लैच को भाई डुबकी क्यों लगा दी मैंने पानी के अंदर। यार गाइस कोई बात नहीं, वैसे तो यार मैं नहाया नहीं था 5 दिनों से, ना लिया भाई मैंने अभी। और अभी चलता भाई आखिरी अम्ब्रेला को टच किया और भाई देखते अभी कब ये गोल्ड में चेंज होने वाला है। और यार ये देखो गाइस मेरे नीचे आ चुकी भाई बड़ी सी लेयर भाई बहुत सारे गोल्ड की। और इस तरफ ये देखो भाई यहाँ पर भी कितना सारा गोल्ड आ गया। अरे वाह भाई मजा आ गया। अब तो गाइस यार मैं बन चुका भाई लॉस सैंटोस का बहुत बड़ा गोल्ड मैन, क्योंकि गाइस मेरे पास भाई ढेर सारा गोल्ड और गोल्ड में चेंज करने वाली पावर्स, भाई मजा आ गया। अब यार गाइस आप एक काम कर दो भाई, मुझे फटाफट से आपके कोई फेवरेट कार का नाम बता दो, क्योंकि यार गाइस मैं जा रहा हूँ लॉस सैंटोस के सबसे बड़े शोरूम में। और भाई वहां पर जाकर गाइस लोग देखो यार उनके सारी की सारी गाड़ियों को भाई गोल्ड के अंदर चेंज कर दूंगा और फिर गाइस उनसे एकदम मस्त वाली कार खरीदूंगा भाई सबसे महंगी वाली। और फिर गाइस उनकी कार को भी गोल्ड में चेंज कर दूंगा, फिर गाइस अपने पास भी होगी सबसे ज्यादा महंगी वाली सुपर कार यार। बट पहले तो इस कार को चुराते, लेट्स गो। बैठ गया और लो गाइस ये भी कार बन चुकी भाई प्योर गोल्ड के अंदर। वाह भाई मजा आ गया यार। अभी तो चलो गाइस एक तो जा रहा भाई एकदम मस्त वाली कार खरीदने के लिए। जैसे गाइस मैंने आपको कहा कि भाई मुझे फटाफट से कमेंट करना अपने फेवरेट कार का नाम बता देना, मैं उसी कार को गाइस अभी खरीद कर गोल्ड के अंदर चेंज कर दूंगा। अगर गाइस आपको देखना मैं आगे क्या क्या करता हूँ और भाई कौन सी कार खरीदता हूँ, तो गाइस आपको देखनी पड़ेगी हमारी अगली वीडियो। तो चलो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर आज की वीडियो पसंद आए तो गाइस एक काम कर देना, फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।